जैन जावेद मालिक, जिन्हें पेशावर रूप से जैन मालिक या बस जैन के नाम से जाना जाता है, एक ब्रिटिश गायक है। मलिका ने 2010 में ब्रिटिश संगीत प्रतियोगिता टेलीविजन शुक्ला द एक्सप्रेस फैक्टर के लिए एकल प्रतियोगिता के रूप में ऑडिशन दिया था। पार होने के बाद उन्हें 5 सदस्यीय बॉय बैंड वन डायरेक्शन बनाने के लिए प्रतियोगिता में वापस लाया गया, जो सर्वश्रेष्ठ में से एक बन गया। सभी समय के बॉय बैंड बेचना उन्होंने मार्च 2015 में समूह छोड़ दिया और RCI रिकॉर्ड के साथ एकल रिकॉर्डिंग अनुवाद पर हस्ताक्षर किया। अपने पहले एकल स्टूडियो एल्बम माइंड ऑफ माइंड और इसके प्रमुख एकल पिनोटॉक पर आधारित वैकल्पिक R&B संगीत शैली को अपनाते हुए वह UK और US दोनों में नंबर एक पर डेब्यू करने वाले पहले ब्रिटिश पुरस्कार कलाकार बन गए। पहला एकल और एल्बम टेलर स्विफ्ट के साथ उनके बाद के सहयोगी एकल आई डॉट वन लिव फॉर आवर और सिया की विशेषता वाले डस्क टिल डॉन को अंतर्राष्ट्रीय सफलता मिली। उन्होंने 2018 में अपना दूसरा स्टूडियो एल्बम करासा कोलासा जारी किया। उसके बाद 2021 में अपना तीसरा एल्बम नोबडी इज लिस्टिंग जारी किया। मलिक को कई पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिनमें एक अमेरिकी संगीत पुरस्कार और एक MTV वीडियो संगीत पुरस्कार शामिल है। वर्ष के नए कलाकार के लिए बिलबोर्ड संगीत पुरस्कार 2 बार जीतने वाले एकमात्र कलाकार है। एक बार 2013 में वन डायरेक्शन के सदस्य के रूप में और फिर 2017 में एकल कलाकार के रूप में इसे प्रभावित किया गया। जैन मालिक का जन्म जावेद मालिक का जन्म 12 जनवरी 1993 को बैंडफोर्ड वेस्टर्न UK शहर में हुआ था। एक अप्रवासी पाकिस्तानी मुस्लिम पिता यशेरा मलिक और अंग्रेजी और आयिशा मुल्क की एक सफ़ेद ब्रिटिश माँ तुष्णा मालिक के घर थे, जिन्होंने शादी के बाद इस्लाम अपना लिया। मलिक की एक बड़ी बहन और डोनिया और 2 छोटी बहनें वलिया और साफा है। इस्लामिक परवरिश के बावजूद वह अब एक मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान नहीं रखता है।